क्योंकि अभी आप दोनों मिले हैं तो ऐसी खबर भी आ रही थी, क्योंकि शो अभी जो अनुपमा में ट्रैक चल रहा है उस पर बहुत सारी चीजें हो रही हैं। ये शो छोड़ के जा रही है? हाँ, अरे भगवान। तो आप ही पहले बताइए क्या खबर चल रही है, बताओ बताओ। इतना टिपिकल है ना ये सब सवाल, यू नो, क्योंकि इतने सारे ट्रैक्स होते हैं शो में, शो हमारा शो 3 साल से ऑन है रहे, ओके, और अगर हमारे शो में इतने ट्विस्ट और टर्न्स नहीं होते तो क्या आप हमारा शो अब तक देख रहे होते क्या? नहीं ना। तो फिर जब अनुपमा जाना जाता है अपने ट्विस्ट एंड टर्न्स के लिए, तो ये भी तो ट्विस्ट ही है ना। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम ऐसे कंक्लूजन पे पहुंच जाए कि ओ माय गॉड, ऐसे तो कितनी बार मुझे आया है, जब जब मैंने वनराज से झगड़ा किया है, जब जब कुछ भी हो गया है फैमिली में, यू नो, कि अच्छा आप काव्या क्या शो छोड़ रही है? अरे नहीं बाबा, मैं इधर ही, मैं डे वन से यही थी, डे एंड तक यही रहूंगी मैं, रिलैक्स। ये जो जैसा इन्होंने कहा कि हमारा शो जो है वो डेली शो है, और डेली शो में अगर कोई चीज़ ड्रामेटिक होती है तो वो सिर्फ इसलिए होती है ताकि ऑडियंस एंगेज हो सके और ऑडियंस के दिमाग में सवाल उठ सके। और जैसे ये सवाल उठा है कि क्या काव्या शो छोड़ रही है, ये सवाल बिल्कुल करेक्ट है। अगर ये सवाल आपके मन में नहीं आएगा तो आप शो क्यों देखना चाहेंगे? इसलिए ये सवाल उठने बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका जवाब आपको शो देख के मिलेगा। हाँ, वो ही, exactly. इसलिए आप जब शो देखेंगे तो हमें टीआरपी मिलेगी, और टीआरपी मिलेगी तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि क्या हो रहा है शो में। तो इसलिए ये चीज़ें जो होती हैं, ये क्रिएटिव चीज़ें, ये राइटर्स और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ये सब मिलकर क्रिएट करते हैं, क्रिएटिव टीम बैठती है और वो लोग इस तरह से इसको डिज़ाइन करते हैं ताकि आप लोग हमेशा ये जानने को उत्सुक रहें कि आगे क्या होने वाला है, और ये जानने के लिए आप रात में 10 बजे स्टार प्लस पे अनुपमा देखते रहिए। क्योंकि ये भी सवाल इससे उठ रहा है क्योंकि ऐसी खबर आ रही है कि वनराज अब वापस अनुपमा को अपनी लाइफ में लाना चाहता है, सारी पैतरे अवतार में, तो इस वजह से शायद ये ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। एक्चुअली क्या हुआ उस दिन सेट पे, जब रूपाली और मैं बात कर रहे थे तो वो मजाक में बोली कि ये वनराज ना सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको घर में वापस एक मेड चाहिए काम करने के लिए। हाँ, because वनराज था ही ऐसा शुरू से ना, he was always very selfish and self-centered, अपने बाप और बापूजी बच्चों के लिए ध्यान रखने के लिए किसी मेड की जरूरत थी। एक्चुअली सेल्फिश भी वो नहीं है, वो एक्चुअली वो अपने उस सेल्फिश सिर्फ एक ही एंगल से, अरे मैं तुम्हारी बात नहीं, आई एम जस्ट सेइंग इट्स जस्ट फॉर अ डिबेट, कि वो सेल्फिश है बट अपने लिए कभी सेल्फिश नहीं होता है, वो अपने हमेशा बच्चों के लिए और अपने माँ बाप के लिए सेल्फिश होता है। वो जो भी करता है वो अपने माँ बाप और बच्चों के लिए करता है, जो भी करना चाहता है वो अपने फैमिली के लिए करना चाहता है। तो उसका एक ही मकसद है कि अनुपमा, वो जब नहीं जाना, मतलब अनुपमा को नहीं अलग होने देना चाह रहा था, उसकी भी यही वजह थी कि यार अनुपमा चली जाएगी तो मेरे माँ बाप को कौन ध्यान रखेगा। दैट इज व्हाट आई सेड ना, कि ही इज बीइंग सेल्फिश फॉर हिज फैमिली, नॉट फॉर हिमसेल्फ, नॉट कि उसको पांव दबवाने अनुपमा से, बट इसलिए कि उसके माँ बाप का ध्यान कौन रखेगा, उसके बच्चों का ख्याल कौन रखेगा, कौन ये करेगा, कौन वो करेगा। तो वही सेल्फिशनेस है उसकी, बेसिकली ही ओनली लिव्स एंड एग्जिस्ट फॉर हिज फैमिली, दैट इज व्हाट वनराज इज। जो भी फैंस देख रहे हैं उनको एकदम क्लियर हो गया कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ऐसा कैसे हो सकता है? काव्या वनराज की शादी हो चुकी है, उसकी वाइफ है, और चाहे जो भी हो जाए आई एम श्योर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो वो ऐसा होगा कि वनराज को सडनली लगेगा अरे काव्या वापस आओ। इस पॉइंट पर राइटर्स अभी काम कर रहे हैं तो बहुत जल्दी आपको कुछ एपिसोड्स में पता चली जाएंगे। कल आप लोगों ने कहीं चिल किया है, सबसे पहले बताइए क्या था वो, कहाँ गए थे, किससे मिले, क्या हुआ? हम लोग गए थे एक्चुअली एक इवेंट पे जहाँ पे हमारा मिलना होना था रेमा से। रेमा इस वक्त एक इंटरनेशनल स्टार हैं जिनका एक गाना बेबी काम डाउन वो काम डाउन वाला गाना जो है बहुत बहुत फेमस हो गया। मैं गा नहीं सकता हूँ बिकॉज मैं हिंदी गाता हूँ, पर उसके ऊपर हमने भी रील्स बनाई है, पूरी दुनिया ने रील्स बनाई हुई है, और वो इंडिया में परफॉर्म करने आया है, वेरी वेरी ब्राइट यंग आर्टिस्ट, एंड अच्छा लगा उससे मिलके, खूब मज़ा आया, बातें की हमने, और अगर वक्त रहा तो हम उसका शो भी देखेंगे। एब्सोल्युटली बहुत अच्छा था, एंड जब आप किसी इतने इंटरनेशनली रिनाउंड आर्टिस्ट से मिलते हैं तो ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी गुड थिंग, यू नो, एंड आई हैव पर्सनली आई लाइक ऑल हिज सॉन्ग्स, मैंने उसके काफ़ी सारे और बाकी गाने भी सुने हैं। ऑफ कोर्स So yes, he is very popular, तो उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा, एंड हम साथ में गए थे, so it was all the more fun. रील्स की बात किया, किस तरह की रील, मतलब क्या, मतलब आपने अपने गानों पर या फिर क्या?
हमारे गाने पे अब दूसरे लोग रील बनाना शुरू कर चुके हैं और कई लोगों ने रील्स बना के मुझे भेजे भी हैं, विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट. और मुझे लगता है कि हमारी और बहुत ज़्यादा गाना जैसे जैसे पॉपुलर होगा उस पर और रील्स बनती जाएंगी, स्पेशली हमारी जो हुक लाइन है उस पर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू.